नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूं आपका हमारे YouTube चैनल SD कैंपस में। दोस्तों, मैं हमारे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज 4 दिसंबर 2019 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। आते हैं हम अपने सबसे पहले क्वेश्चन पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश G20 की मेजबानी करने वाला अरब जगत का पहला देश बना है? ऑप्शन ए नॉर्थ कोरिया, ऑप्शन बी साउथ कोरिया, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी चीन। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि सऊदी अरब। दोस्तों, सऊदी अरब ने तेल से समृद्ध राष्ट्र ने उदारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया है और इसके साथ साथ इसमें महिलाओं के अधिकार की भी बात की गई है, महिलाओं के अधिकार की भी बात की गई है। आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है आज का, 3 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए विश्व महिला दिवस, ऑप्शन बी विश्व विकलांग दिवस, ऑप्शन सी विश्व पुरस्कार दिवस, ऑप्शन डी विश्व युवा दिवस। दोस्तों, इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी विश्व विकलांग दिवस। इस विश्व विकलांग दिवस का जो है उद्देश्य क्या है कि समाज में विकलांग जो बच्चे हैं या विकलांग व्यक्ति हैं उसके विकास को सुनिश्चित किया जाए, यह इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है। आते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन पर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन न्यूजीलैंड की सरजमी पर टेस्ट मैच में दोहरा शतक बनाने वाला पहला कप्तान बन गया है? दोस्तों, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार आपके एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, दोहरा शतक किसने बनाया। आते हैं हम इसके ऑप्शन पर। ऑप्शन ए केन विलियमसन, ऑप्शन बी जो रूट, ऑप्शन सी मिचेल मार्श, ऑप्शन डी मार्टिन गुप्टिल। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि जो रूट। इन्होंने 441 गेंदों पर 22 चौके और एक सिक्स लगा करके 226 रन बना करके इन्होंने इस शतक को, दोहरा शतक का बनाने वाले पहले कप्तान बन गए हैं न्यूजीलैंड की सरजमी पर टेस्ट मैच में। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के म्यूजियम में भगवान बुद्ध के सिर की एक दुर्लभ मूर्ति लगाई गई है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि पाकिस्तान। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हज 2020 के लिए किस देश के साथ द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी बांग्लादेश। दोस्तों, ये सऊदी अरब जो ऑप्शन सी, ये आपका आंसर है। इसके साथ ही भारत हज प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। दोस्तों, ऐसे ही हम आपके सामने करंट डेली करंट अफेयर्स के और कुछ वीडियोस को लेते आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।